बच्चों, आज हम बात करेंगे प्रोटीन की। ये आपने पढ़ लिया था, मैंने आपको वीडियो भी भेजा हुआ है। बृहत अणु, बृहत जैव अणु, सूक्ष्म जैव अणु। आज बात करेंगे प्रोटीन। बच्चों, कोई आपको पूछे कि प्रोटीन किसे कहते हैं, तो प्रोटीन की सिंपल परिभाषा है अमीनो एसिड के बहुलक को। अमीनो एसिड के बहुलक को बच्चों प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन क्या है? परिभाषा बच्चों याद रखने का है आपको, क्योंकि प्रोटीन आपको बार बार सुनाई देगा। कोई भी पूछेगा भाई आप बायो के स्टूडेंट हो, प्रोटीन क्या है, तो अमीनो एसिड, शॉर्ट में ए ए बोलेंगे बच्चों अभी। ठीक है, अमीनो एसिड के बहुलक को प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, अब आपको पता है जब हम अमीनो एसिड की बात कर रहे थे तो 20 से 21 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं जो प्रोटीन की संरचना में भाग लेते हैं। अर्थात जो प्रोटीन है वो 20 से 21 अमीनो एसिड का बना होता है, क्योंकि अमीनो एसिड बहुलक है। किसका प्रोटीन बहुलक है, किसका? अमीनो एसिड का। और अमीनो एसिड कितने हैं? 20 से 21 है। जनरली हम 20 मानते हैं बच्चों कि 20 अमीनो एसिड प्रोटीन की संरचना में भाग लेते हैं। अब ये अमीनो एसिड दो प्रकार के हैं। एक है आवश्यक अमीनो एसिड, और एक है बिन आवश्यक अमीनो एसिड। आवश्यक और बिन आवश्यक, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। आवश्यक अमीनो एसिड किसे कहेंगे बच्चों? जिस अमीनो एसिड का निर्माण हमारा शरीर नहीं कर पाता है, जो अमीनो एसिड हमें भोजन के द्वारा प्राप्त होते हैं और जिनका निर्माण हमारा शरीर न कर सके, ऐसे अमीनो एसिड को आवश्यक अमीनो एसिड कहते हैं। बिन आवश्यक, नॉन इसेंशियल, अर्थात ऐसे अमीनो एसिड जिसका निर्माण आपका शरीर करता है। कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, ये यहां पे लागू होता है। जिस अमीनो एसिड का निर्माण आपका शरीर करे वो है बिन आवश्यक अमीनो एसिड। अब ऐसा नहीं कि आवश्यक नहीं है, वो हर अमीनो एसिड आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना प्रोटीन नहीं बनेगा और प्रोटीन के बिना आपकी संरचना नहीं बनेगी कोशिकाओं की। कोशिका की हर अंगिका में प्रोटीन एक संरचनात्मक घटक होता है। प्रोटीन नहीं होगा तो अंगिका नहीं बनेगी, कोशिकाएं नहीं बनेगी। आवश्यक तो सब है, सारे अमीनो एसिड आवश्यक है, लेकिन उपलब्धता के आधार पर, स्रोत के आधार पर ये दो प्रकार के हैं। एक वे अमीनो एसिड जिनका निर्माण आपका शरीर करता है, उसे बिन आवश्यक अमीनो एसिड की श्रेणी में रखा जाता है, और दूसरे वे अमीनो एसिड जिनका निर्माण हमारा शरीर नहीं कर पाता है। हमें इनको कहां से? खाद्य पदार्थों के द्वारा ग्रहण करना पड़ता है। ऐसे अमीनो एसिड को आवश्यक अमीनो एसिड कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब प्रोटीन में होता क्या है कि अमीनो एसिड की संरचना आपको पता है, कार्बन की संयुक्तता चार, यहां बच्चों एच होता है, यहां आर, पहला अमीनो एसिड तो मैं R1 लिख देता हूं, यहां पे NH2 होता है, और यहां पे COOH होता है।
एक अमीनो एसिड। ऐसा ही मैं यहां पे दूसरा अमीनो एसिड लिखता हूं, बच्चों स्क्रीनशॉट लेते रहने का अपना, या फिर मैं तो आपको वीडियो पे बना के भेज रहा हूं तो आप उस समय पढ़ लेना अच्छी तरह से, क्योंकि ये टॉपिक आपको केमिस्ट्री में भी काम आएंगे, अगले साल क्लास 12th में आपका एक लेसन है ये। दूसरा अमीनो एसिड बच्चों मैं लिखता हूं यहाँ पे ऐसे ही सी, यहां लिखा एच आर टू सी ओ ओ एच एन एच टू, ये दूसरा अमीनो एसिड। अब होगा क्या बच्चों, यहां से ओ एच और यहां से एच, एच टू ओ निकल जाएगा। जब दो अमीनो एसिड जुड़ेंगे तो एक एच टू ओ दूर हो जाएगा, और एच टू ओ दूर होगा या क्या बचेगा, एच टू ओ हो गया दूर, क्या बचा है बच्चों, सी ओ एन एच। ये जो सी ओ एन एच है बच्चों, इस बॉन्ड को, इस आबंध को पेप्टाइड बंध कहते हैं, याद रखना है आपको, पेप्टाइड आबंध। जितने सारे जैविक अणु है जो जैव बहुलक है उनमें एक विशिष्ट आबंध होता है, जैसे प्रोटीन में कौन सा आबंध है, पेप्टाइड आबंध। सूत्र क्या है पेप्टाइड आबंध का, सी ओ एन एच, ठीक है। अब ऐसे ही मान लीजिए एक तीसरा अमीनो एसिड बना देता हूं मैं, एच आर टू सी ओ ओ एच और एन एच, यहां पे भी क्या होगा बच्चों, ये जो एच टू है ये निकल जाएगा, एच टू निकला तो क्या बचेगा, सी ओ एन एच पेप्टाइड। इस तरह से अमीनो एसिड एक के द्वारा एक जुड़ते जाएंगे, जैसे पहले मैंने दो अमीनो एसिड जोड़े तो डाइपेप्टाइड बनेगा, तीन जोड़े तो ट्राइपेप्टाइड बनेगा, और बहुत सारे जोड़े तो पॉलीपेप्टाइड बनेगा। प्रोटीन क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड होते हैं, ये पॉलीपेप्टाइड बनते हैं। अब पॉलीपेप्टाइड की संरचना में क्या होता है बच्चों, जो पहला अमीनो एसिड होता है वो या बाई ओवलेंट होता है, लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे हमेशा पहला अमीनो एसिड होगा और राइट साइड पे हमेशा अंतिम अमीनो एसिड। पहला अमीनो एसिड लेफ्ट हैंड साइड पे है, लास्ट अमीनो एसिड राइट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखें यहां पे, तो ये NH2 समूह है, इसके आगे कुछ नहीं है, यानी इसके लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है, उसे बच्चों साइंस में इसे अवशेष कहते हैं, अवशेष या अवशिष्ट। ये कौन सा अवशेष, इसे बोलते हैं एन अवशेष। या एन टर्मिनल रेजिड्यू, क्यों, क्योंकि यहां पे NH2, लेफ्ट हैंड साइड पे NH2 होता है, राइट हैंड साइड पे आप देखें तो COOH है, उसके आगे कुछ नहीं है, तो बच्चों इसे C अवशेष कहते, सी टर्मिनल रेजिड्यू कहते हैं। रेजिड्यू मतलब कि इसके आगे अब कुछ नहीं जुड़ा है, ये अवशिष्ट हो गया, अवशेष है, इसके आगे कुछ नहीं, अब कोई भाग शेष नहीं, ठीक है। तो ये एक पॉलीपेप्टाइड है, मैंने तीन अमीनो एसिड जोड़े हैं, ऐसे आपको बहुत सारे अमीनो एसिड जोड़े हैं और पॉलीपेप्टाइड की एक श्रृंखला आपको दिखेगी। पॉलीपेप्टाइड चाहे 100 अमीनो एसिड का बना हो, 500 का बना हो, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा NH2 होगा, उसे N अवशेष कहेंगे, राइट हैंड साइड पे हमेशा COOH होगा, उसे
सी अवशेष कहे। ये हो गया बच्चों पॉलीपेप्टाइड की संरचना। पॉलीपेप्टाइड के आधार पर प्रोटीन की संरचना पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों वो है प्रोटीन की संरचना। पहले बुक में एक नजर मार लेते हैं, क्योंकि प्रोटीन अलग है बुक में और प्रोटीन की संरचना अलग टॉपिक है, यानी अलग दिया हुआ है, बीच में कुछ और आ गया है, लेकिन हमको बच्चों एक साथ पढ़ना है। पहले हम प्रोटीन पढ़ेंगे और फिर प्रोटीन की संरचना पढ़ेंगे। प्रोटीन कंप्लीट, आवश्यक अनिवार्य बिना अनिवार्य आवश्यक बिना आवश्यक हो गया। पॉलीसेकेराइड बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे प्रोटीन के, क्योंकि प्रोटीन पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे प्रोटीन की संरचना। तो प्रोटीन बच्चों बहुलक है, और कैसे बहुलक है, ये जैव बहुलक है और विषम बहुलक है। ठीक है, कैसे बहुलक है, विषम बहुलक, अर्थात सारे के सारे प्रोटीन एक प्रकार के एमिनो एसिड के नहीं बने हुए। कोई भी प्रोटीन एक ही प्रकार के एमिनो एसिड का नहीं बना होगा, इसे कहते हैं विषम बहुलक। R1, R2, R3, R4, प्रोटीन की संरचना में बच्चों जो एमिनो एसिड होते हैं वो एक से अधिक प्रकार के होते हैं, इसीलिए इसे विषम बहुलक कहते हैं। ठीक है, अब प्रोटीन बच्चों अगर आप संरचना देखें तो आपको यहां से स्टार्ट करना है इसको। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है कि अकार्बनिक रसायन में संरचना का संबंध मतलब अणु सूत्र से है। अकार्बनिक रसायन में किसी भी यौगिक की संरचना आप देखें, किसी अणु की संरचना का मतलब उसका अणु सूत्र से है, जैसे NaCl, MgCl। कार्बनिक रसायन में जो कार्बनिक रसायन जो रसायन वैज्ञानिक होते हैं वहां पे अणु की संरचना अर्थात उसका जो टू डायमेंशनल रचना होती है, द्वि आयामी दृश्य होता है। भौतिक वैज्ञानिक विज्ञान में संरचना का मतलब उसका थ्री डायमेंशनल संरचना होती है। ठीक है, जबकि जीव विज्ञान में प्रोटीन की संरचना चार प्रकार की है। तो बच्चों अगर हम प्रोटीन की संरचना की बात करें तो अकार्बनिक रसायन में प्रोटीन की संरचना अर्थात उसका अणु सूत्र क्या है, प्रोटीन का अणु सूत्र क्या है, यह है अकार्बनिक रसायन में प्रोटीन की संरचना। कार्बनिक में अगर आप देखें कि भाई प्रोटीन की संरचना में प्रोटीन का क्या है, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन की संरचना, कार्बनिक रसायन में प्रोटीन की संरचना अर्थात प्रोटीन का द्वि आयामी दृश्य, टू डायमेंशनल जो उसका स्ट्रक्चर है उसकी बात करेंगे। फिजिक्स में प्रोटीन की संरचना अर्थात प्रोटीन का त्रिआयामीय दृश्य, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, और जीव विज्ञान में प्रोटीन की संरचना चार प्रकार की होती है। ठीक है, तो हमको अकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक विज्ञान की सहायता से प्रोटीन की संरचना नहीं व्यक्त करनी है, हमें जीव विज्ञान की सहायता से प्रोटीन की संरचना व्यक्त करनी है। तो जीव विज्ञान में प्रोटीन की जो संरचना है वो चार प्रकार की होती है। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोटीन की संरचना। प्रोटीन बना किससे है बच्चों, अमीनो एसिड से, याद रखना है। बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ेंगे और क्या बनेगा, पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड में बच्चों जो श्रृंखला है वो चार प्रकार की, एक एक करके समझेंगे। 1 डिग्री इसे बोलते हैं प्राथमिक संरचना, 2 डिग्री द्वितीयक संरचना, 3 डिग्री तृतीयक संरचना और 4 डिग्री चतुर्थक संरचना। 40 पर समझ रहे हैं ना, डिग्री है भाई, तुम लोग तो
तीस चालीस कर दोगे। चलिए, जीव विज्ञान में प्रोटीन की चार संरचनाएं होती है। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना, प्रोटीन की तृतीयक संरचना और प्रोटीन की चतुर्थक संरचना। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क अथवा चतुर्थक, जो आप चतुष्क बोल सकते हो, चतुर्थक बोल सकते हो। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। देयर आर फोर टाइप ऑफ प्रोटीन और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी। तो हम पहले बात करेंगे प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कुछ नहीं है बच्चों, किसी पॉलीपेप्टाइड में कितने अमीनो एसिड है, वो किस क्रम में लगे हैं, ये प्रोटीन की प्राथमिक संरचना को दर्शाता है। ठीक है, तो कितने अमीनो एसिड है, पॉलीपेप्टाइड की संरचना में कितने अमीनो एसिड होते हैं और अमीनो एसिड का क्रम क्या है, इसे प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। कोई आपको पूछे कि प्राथमिक प्रोटीन किसे कहते हैं, परिभाषा क्या बोलनी है, पॉलीपेप्टाइड की संरचना में अमीनो एसिड की संख्या और अमीनो एसिड के लगने के क्रम को प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। अब द्वितीयक संरचना, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बच्चों दो प्रकार से कुंडलित हो सकती है, क्योंकि एक रेशा है आपके पास, तो रेशा कभी सीधा नहीं रहेगा, ये मुड़ेगा। अभी दो तरह से मुड़ सकता है, एक है अल्फा हेलिकल, और दूसरा बच्चों बीटा प्लेटेड। अल्फा हेलिकल और बीटा प्लेटेड, अल्फा हेलिकल में क्या होगा बच्चों, ये आप किसी मकान में गए हो या किसी मॉल में गए हो, वहां बच्चे घूमती हुई सीढ़ी होती है, घुमावदार सीढ़ी, ठीक है, इसे कहते हैं हेलिकल, अल्फा हेलिकल। और ये जो मोड़ है ये आपस में सी ओ एन एच के द्वारा जुड़े होते हैं, ऐसा नहीं खुल जाएगा, एक मोड दूसरे मोड के साथ COOH बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाएगा, एक अमीनो एसिड का CO, दूसरे का NH, के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। यह है अल्फा हेलिकल, घुमावदार सीढ़ी की तरह। अगर पॉलीपेप्टाइड की रचना है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये सीट प्रकार, सीट अगर आप देखें गर्मियों से बचने के लिए वो सीट लगाते हैं ऊपर, चद्दर लगाते हैं, और वो चद्दर ऐसा होता है कुछ, उस चद्दर को आप देखें वो ऐसा कुछ होता है। इस तरह की रचना है। तो अगर बच्चों ये ऐसे लगा हुआ है इससे सीट जैसा लगा हुआ है, जिसे आप कहोगे बीटा प्लेटेड,
वापस आ जाओ, प्रोटीन की संरचना चार प्रकार की, प्राथमिक पॉलीपेप्टाइड में नंबर ऑफ एमिनो एसिड, सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड क्या कहलाएगा, प्राथमिक संरचना कहलाएगा। द्वितीयक, ये जो पॉलीपेप्टाइड है ये घूमती है, मुड़ती है, अभी दो प्रकार से मुड़ सकती है, या तो ये घुमावदार सीढ़ी की तरह मुड़ जाए, जैसे आप जो गर्ल्स अपने बाल को ऐसे कर देते हैं, है ना, बाल को करके उसके बाद ऐसे वो मीना कुमारी, ऐसा है तो ये अल्फा हेलिकल है, और बच्चे अपने बाल को ऐसे ऐसे लड़के ऐसे 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 कार्टून की तरह कर देते हैं तो वो बीटा प्लेटेड है, ठीक है। अब टर्शियरी संरचना, अब चाहे अल्फा हेलिकल हो चाहे बीटा प्लेटेड हो, बच्चे क्या करेंगे, जैसे किसी बॉल के ऊपर आप ऊन, जो ऊन होता है, ऊन के रेसे होते हैं, कॉटन के रेसे, उनको आप घुमाना शुरू कर, लगाना शुरू कर, तो जो बॉल जैसी रचना बनेगी उसे कहेंगे प्रोटीन की तृतीयक संरचना। ये खोखले बॉल की तरह से घूमते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे आप, खोखले खोखले बॉल की तरह, कॉटन के बॉल की तरह आपस में जुड़ते जाएंगे, गुंथते जाएंगे, उसे प्रोटीन की तृतीयक संरचना कहें। और बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, जैसे ये एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला थी, कॉटन बॉल की तरह जुड़ गई, बहुत सारे ऐसे श्रृंखला आपस में जुड़ गई, जैसे एक श्रृंखला ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है। अगर ये बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है आपस में गुथती चली गई, आपस में जुड़ती चली गई, तो बच्चों इसे प्रोटीन की चतुर्थक संरचना कहते हैं। अब ये आप बोलोगे सर तो गुथा हुआ है तो अलग हो जाएगा, बच्चों यहां पर इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड तो बना ही बना, ये देखा आप, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है सारे के सारे, इसके अलावा आयनिक बॉन्ड भी बनते हैं, सहसंयोजक बॉन्ड भी बनते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड भी बनते हैं कभी कभी, इनमें क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के आबद्धों के द्वारा ये सिकुड़न, ये संरचनाएं अचल रहे, ये खुलेंगे नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बच्चों आप देख सकते हो हीमोग्लोबिन, कहां होता है हीमोग्लोबिन, तो सर आरबीसी में होता है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, आपके जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनमें हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन लाल होता है इसलिए आपका रुधिर लाल होता है, क्या करता है तो श्वसन गैसों का वहन करता है, तो इसे श्वसन रंजक भी कहते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन बच्चों दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है हीम, भीम नहीं है, अब फिर बोलो सर दूसरा अर्जुन होगा, नहीं, हीम, और दूसरा है ग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है और ये दो शब्दों से मिलके बना है, हीम और ग्लोबिन। हीम का मतलब बच्चों आयरन होता है, लोहा होता है, और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन होता है। इंडिया में गर्ल्स मुख्य रूप से जो लड़कियां हैं वो एनेमिक होती है, एनेमिया मतलब बच्चों ये होता है कि हीमोग्लोबिन की कमी। तो जब एक जांच की गई, जैसे आप देखते हैं गुजरात में बच्चों, हमारे स्टेट में क्या होता है कि गवर्नमेंट हर साल बच्चों की जांच करती है फ्री में, स्कूलों में जाके गवर्नमेंट डॉक्टर आते हैं, आपका टेस्ट करते हैं, पाया ये गया कि बहुत सारे जो गर्ल्स हैं वो एनीमिक है, उनमें हीमोग्लोबिन की कमी है, और गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा प्रयास किया, स्कूल स्कूल में आयरन की टैबलेट बांटने शुरू कर दी,
बच्चे लड़कियां जो है वो आयरन को ले, क्योंकि आयरन की कमी होगी तो हिमोग्लोबिन नहीं बनेगा, ठीक है। बच्चे ज्यादा उस समय ज्यादा होशियार, वो टैबलेट लेके फेंक देते थे। ऐसा नहीं है, आपको अगर आयरन की टैबलेट दी जा रही है उसका मतलब कि हीमोग्लोबिन बॉडी में कम है, और हीमोग्लोबिन का एक मुख्य घटक है आयरन। अगर आयरन नहीं होगा बच्चों तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, उसकी टैबलेट आती है, ठीक है। तो अब तो खैर नहीं है, लेकिन पहले एक बार होता था, टेस्ट अभी भी होते हैं स्कूलों में आके, लेकिन वो टैबलेट अभी बढ़ती रही है। तो बच्चों प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, एक संयुग्मी प्रोटीन है, जटिल प्रोटीन है, जिसमें प्रोटीन के साथ आयरन जुड़ा हुआ, और ये चतुर्थक प्रोटीन है। क्यों चतुर्थक? इसमें बच्चों हीमोग्लोबिन में दो प्रकार की श्रृंखला है, याद रखना अच्छी तरह से, बार बार काम आएगा, बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि अगले साल आप जब जेनेटिक्स पढ़ोगे बच्चों, वहां पे आप थैलेसेमिया, ठीक है, और हीमोफीलिया पढ़ोगे, उस समय काम आएगा। थैलेसेमिया पढ़ोगे तो आपको पता चल जाए। हीमोग्लोबिन में दो प्रकार की प्रोटीन है, अल्फा और बीटा, इन दो प्रकार के पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है। अल्फा श्रृंखला, दो अल्फा श्रृंखला होती है बच्चों, और दो बीटा श्रृंखला होती, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन में क्या है, चार श्रृंखलाएं पाई जाती है, दो अल्फा श्रृंखला और दो बीटा श्रृंखला, इसी तरह से क्या है हीमोग्लोबिन, एक संयुग्मी प्रोटीन है, जटिल प्रोटीन है, जिसमें प्रोटीन के साथ आयरन जुड़ा हुआ है, और ये प्रोटीन की चतुर्थक संरचना को व्यक्त करता है। इसमें पॉलीपेप्टाइड की चार श्रृंखलाएं होती है, जैसे मैंने ये दिखा, एक दो तीन चार, पॉलीपेप्टाइड की चार श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी हुई हो, जिसमें से दो अल्फा श्रृंखला है और दो बीटा श्रृंखला, ठीक है बच्चों। इसी तरह से आप प्रोटीन का एग्जाम्पल दे सकते हो, क्लोरोफिल, वहां पे एमजी होता है बच्चों, आयरन की जगह मैग्नीशियम होता है। सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है एंजाइम, है एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, रूबिस्को, ठीक है। जब हम प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे तो उस समय पढ़ेंगे रूबिस्को सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला एंजाइम अथवा प्रोटीन, ठीक है। ये हो गया बच्चों प्रोटीन की संरचना, अच्छी तरह पढ़नी है, क्योंकि आपको यहां तो काम आएगी ही आएगी, आपको अगले साल 12th में केमिस्ट्री में भी काम आएगा, ठीक है बच्चों। ये था प्रोटीन की संरचना, प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना, ये सब तृतीयक संरचना, चतुर्थ संरचना। हीमोग्लोबिन के बारे में हमने बात कर ली है, वयस्क मनुष्य में हीमोग्लोबिन, वयस्क नहीं, मनुष्य का हीमोग्लोबिन चार उपखंडों का बना होता है, इसमें दो अल्फा और दो बीटा प्रकार के क्या होती है, श्रृंखलाएं होती है, जो आपस में जुड़कर बच्चों क्या बनाती है, हीमोग्लोबिन बना, ठीक है। आज बच्चों आपको यहां तक इसको तैयार करना है, प्रोटीन और प्रोटीन की संरचना, दो टॉपिक हमने पढ़े हैं, एक प्रोटीन आपको तैयार करना है 9.4, दूसरा प्रोटीन की संरचना 9.7, ये आपको लिख के तैयार करना है। मैं इसका वीडियो आपको भेजूंगा, जो नहीं अभी आप समझे उसको दोबारा वीडियो देखे, आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए, ठीक है। और कल हम आपको बताएंगे इसके आगे का टॉपिक, ठीक है बच्चों।